उत्तराखंड की राजनीति अब चरम सीमा पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है एवं सूची भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों में काफी जोश एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि खटीमा सहित उत्तराखंड में आप पार्टी की नींव खड़ा करने वाले SS कलेर पहले भी खटीमा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके साथ ही पार्टी का लगातार विस्तार करते हुए पार्टी को मजबूत किया। वहीं खटीमा विधानसभा सत्ता से टिकट कंफर्म होने पर कलेर ने बताया कि पूर्व से ही वह CM के क्षेत्र खटीमा विधानसभा सीट की तैयारी कर रहे थे। खटीमा उनका गृह निवास भी है और उन्होंने बताया खटीमा से भाजपा CM का टिकट तय होते ही पार्टी ने मेरा भी टिकट तय कर दिया। कलेर ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण आदि मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे जिससे आम जनता का हित हो। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, आने वाले समय में पार्टी की जीत होगी। साथ ही उन्होंने CM पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने काम नहीं किया जिससे जनता नाराज है। आने वाले 14 फरवरी को जनता उनका जवाब देगी और आप पार्टी खटीमा सहित उत्तराखंड में बड़ी जीत दर्ज करेगी। देखिए, आपको मीडिया को लग रहा होगा मेरे को लेट, मेरे को तो 5 महीने पहले भेज दिया गया था CM साहब के सामने लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। तभी उसके बाद मेरे को 1 महीना बाद में अपने प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष वाला पद छोड़ के खटीमा की तैयारी करने के लिए लग गया था। ये आप लोगों की अटकलें थी लिस्ट में नाम, मेरे को ये मैं देखना चाह रहा था पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से लड़ते या नहीं लड़ते, ये अटकलें लग रही थी। अभी उन्होंने अटकलें अपनी दूर कर दी और मैंने भी अपने आप को क्लियर करवा दिया। देखिए, हमारे मुद्दे जो हैं, पार्टी ने बहुत ही बढ़िया नीतियां, गारंटी कार्ड बनाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, 300 यूनिट बिजली फ्री, हर बेरोजगार को बेरोजगार दिया जाएगा, हर महिला के अकाउंट में 18 साल से ऊपर से मतलब 1000 रुपया हर महीने का डाला जाएगा, कई तरह की ऐसी योजना जिससे घर परिवार अच्छा चल पाए। और आने वाले समय में आपको दिखेगा आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से ऊपर को जा रहा है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की जीत होगी। नहीं देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने काम नहीं करा, जनता उनसे नाराज बैठी है और जनता मेरे को लग रहा 2022 में जो 14 फरवरी का दिन आने वाला, उस दिन उनको जवाब जरूर दे।